तो हे गाइस, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि गो फिश क्या है और इसका इंस्टॉलेशन भी इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। और गो फिश का फुल इन्फॉर्मेशन मैं वो भी डिटेल में इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गो फिश एक फ्री ओपन सोर्स फिशिंग फ्रेमवर्क है। ये एक टूल है जो सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि ऑर्गेनाइजेशंस अपनी सिस्टम को फिशिंग अटैक से प्रोटेक्ट कर सकें। गो फिश के थ्रू हम रियल वर्ल्ड में हो रहे फिशिंग अटैक को मिमिक यानी कि नकल कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं यूज़र से, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस को उनके सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ और वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है ताकि वो अपने सिक्योरिटी मेजर्स को इम्प्रूव कर सके और भी बेहतर बना सके। और अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इसका नाम गो फिश ही क्यों रखा गया। तो गो फिश को डेवलप करने में एक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था जिसका नाम था गो। इस तरह गो फिश का नाम इस टूल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गो और उसके प्राइमरी पर्पस को आइडेंटिफाई करता है। इस तरह गो फिश का नाम इस टूल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गो और उसके प्राइमरी पर्पस को सिग्निफाई करता है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन और अब हम चलते हैं इसके इंस्टॉलेशन में। गो फिश को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है गो फिश गिटहब। तो इतना मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। फिर आपको एंटर पे क्लिक कर देना है और आपको इनकी पहली वेबसाइट मिल जाएगी, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। तो मैंने अभी यहाँ पे इसे क्लिक कर दिया। फिर आपको यहाँ पे इनका पेज सोर्स मिल जाएगा गिटहब का, लेकिन अभी हम इसे गिटहब से इंस्टॉल नहीं करेंगे क्योंकि इसे गिटहब से इंस्टॉल करने में काफ़ी एरर्स देखने को मिल सकती हैं। आप चाहे तो यहाँ से इसे कर सकते हैं इंस्टॉल, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से आप इसका कोड कॉपी करके और क्लोन कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे डाउनलोड जिप भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अब हम इसे क्लोज़ करते हैं और अभी हम इसे टर्मिनल से ही इंस्टॉल करने वाले क्योंकि ये वेरी सिंपल प्रोसेस होता है। तो इसके लिए आपको अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है, फिर आपको रूट यूज़र में चले जाना है। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ सूडो सू, फिर मैं अपना यहाँ पर पासवर्ड दे देता हूँ और अब हम आ चुके हैं रूट यूज़र में। और अब यहाँ पे आपको टाइप करना है apt get install go fish। तो इतना मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ और जैसे हम एंटर करेंगे ये हमारा डाउनलोड होना इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और अब हमें अपना go fish जो है ओपन कर लेना है। तो इसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे टाइप करना है go fish। जैसे ही आप इतना टाइप करेंगे ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये URL आ चुका है और आपको इस URL को कॉपी करके पेस्ट कर देना है अपने क्रोम ब्राउज़र पे, जो भी आपका ब्राउज़र है आपको उस पर कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और जैसे ही हम इसे पेस्ट करेंगे ये हमारा ओपन हो चुका है और अब हमें यहाँ पे इसे लॉगिन करना है और इसका यूज़र नेम और पासवर्ड डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो अगर आपको इसे चेक करना है तो आपको यहाँ पर टाइप करना है गो फिश और जैसे ही आप ये टाइप करेंगे आपको यहाँ इनकी पहली वेबसाइट मिल जाएगी, आपको इस पर क्लिक कर देना है और जैसे ही ओपन होगा आपको फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है और फिर आपको रीड पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देना है। तो और फिर आपको स्क्रॉल करते जाना है। तो मैं इसे यहाँ पर फाइंड कर लेता हूँ, ये शायद तक सबसे नीचे हो सकते हैं तो मैं इसे फाइंड कर लेता हूँ पहले। तो शायद तक इसका यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे आपको ना मिले तो आपको गेटिंग स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फिर आपको स्क्रॉल करते जाना है और यहाँ पे आपको फाइंड कर लेना है, ये रहा इसका यूज़र नेम, आपको बाई डिफ़ॉल्ट एडमिन ही मिलेगा और पासवर्ड गो फिश। और अब हम इस यूज़र नेम और पासवर्ड को कॉपी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस एडमिन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और अब हम पासवर्ड को कॉपी कर लेते हैं जो कि है गो फिश और फिर इसे कॉपी करने के बाद हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं
और जैसे ही आप पेस्ट करेंगे ये हमारा साइन इन हो जाएगा। और मैं आपको इसे ओपन करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो पर स्ट्राइक भी आ सकती है, इसीलिए मैं इसे ओपन करके नहीं दिखाऊंगा। बाकी आप इसे ओपन करके कैंपेन्स, ईमेल्स, ये सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं और काफ़ी चीज़ें आपको इसमें नई भी जानने को मिलेगी। तो यही थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको गोफिश का इंट्रोडक्शन और इसका इंस्टॉलेशन सबसे सिंपल मेथड में बता दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।